हाँ जी दोस्तों, शुरू करें फिर आज इन्फ्लेशन एंड लेक्चर 6 पे पहुंच चुके हैं हम इकोनॉमी के। और एक बात ध्यान रखना कि साथ साथ पैरेलली रीडिंग करते रहो, रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संजीव वर्मा एक बुक आती है आपको, संजीव वर्मा के नाम से एक ही बुक मार्केट में फेमस है, आप संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं, या पैरेलली एक रमेश सिंह बुक आती है, जो भी। अगर आप बिगिनर हैं, पहले इको में कोई बैकग्राउंड नहीं है, एंड मोर और लेस मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक स्ट्रैटेजी चाहता हूँ बताना कि इको पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर्स ऑरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो करंट अफेयर्स वाले जो सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं आपके पास, तो करंट अफेयर्स वाले सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक्स चाहिए होते हैं, बस दैट्स इट। कोई बुक आपको बेसिक्स बता दे, उसके बाद आपको रोज़ ही अखबार पढ़ना पड़ेगा। और हमारी इंटेंशन भी यहाँ पर स्लीपी पे यही रहेगी आपको, कि आपको एम्पावर किया जाए, कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया जाए, एंड देन हम बिल्कुल हर रोज़ साथ साथ आपके चलेंगे, एंड आपको बस जो स्पीड क्या तेज़ करनी है हमसे भी आगे निकल जाना है, एंड हर रोज़ करंट अफेयर जानने हैं। तो इसलिए ये कोई अगर बेसिक्स जानने वाली किताब अच्छी है वो संजीव वर्मा है, अगर आपको बेसिक्स अगर बिल्कुल नहीं आते। इंडियन इकोनॉमी बुक का नाम है। एंड अगर लेट्स से आप चाहते हैं थोड़ा सा और डीपली ड्वेल करना, तो रमेश सिंह के बारे में जान सकते हैं। रमेश सिंह भी बहुत अच्छी बुक मानी गई है, लेकिन रमेश सिंह थोड़ा एक्सटेंसिव है, अकॉर्डिंगली डील विद द बुक्स, ठीक है। हमारी प्रेफरेंस संजीव वर्मा की तरफ है, लेकिन रमेश सिंह भी इक्वली गुड है। ओके, तो शुरू करते हैं आज कहानी इन्फ्लेशन से। छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अखबारों में भी रोज़ आपको नज़र आता है, ठीक है। तो पहली चीज़ इसमें हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन, ये क्या चीज़ है, क्या होती है इन्फ्लेशन, ठीक है जी। एंड देन इन्फ्लेशन के आगे उल्टा इस डिस इन्फ्लेशन, नॉट एग्जैक्टली उल्टा, देखेंगे क्या होता है। डिस इन्फ्लेशन के पहले एक हम टर्म यहाँ जानेंगे, व्हाट इज़ डिफ्लेशन, कि इन्फ्लेशन की उल्टी एक ही चीज़ होती है डिफ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन टर्म्स हैं, प्री में बहुत पूछी जाती हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, साथ में जुड़ा हुआ एक पैरेलल कर्व भी होता है स्टैगफ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ, फिलिप्स कर्व। देन इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स किसको कहा गया, बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, पीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन कैसे टैकल की जा सकती है, एंड बेस इफेक्ट नाम की क्या ये चीज़ है। ओके, सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में बात करें। इन्फ्लेशन इज़ सिंपल शब्दों में महंगाई, या फिर आप क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज आते हैं, इकोनॉमी की लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, व्हेन परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी गोज़ डाउन, कि आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर का लॉस हो गया। जो अगर मैं आपको आराम से सिंपली समझाऊं, जो पहले आप 100 रुपये में सामान खरीद पाते थे, अब वो 100 रुपये का नोट वो चीज़ नहीं खरीद सकता, परचेजिंग पावर हैज़ गॉन डाउन। ये इको की स्टैंडर्ड से डेफिनेशन मिलती है आपको। और एक और डेफिनेशन क्या मिलती है, जो इंग्लिश में ही बस ट्रांसलेट करो अगर आप महंगाई को, तो बनती है दैट इज़ जनरल ट्रेंड इन इंक्रीज ऑफ प्राइसेस, कि जो प्राइसेस का जो जनरल ट्रेंड है जिसके कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो जिस उस जनरल ट्रेंड को क्या कहा गया, इन्फ्लेशन। कि बस चीज़ें 100 की थी, कल 110 की हो गई, 120 की हो गई, चीज़ें जनरली ऊपर महंगी होती जा रही हैं, तो इंक्रीज इन प्राइस जनरल ट्रेंड को इन्फ्लेशन कहा गया। अब ये तो इन्फ्लेशन की बेसिक डेफिनेशन हो गई। देन एक चीज़ आई डिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट भी होता है। अगर चीज़ें जनरली सस्ती हो रही हों, जनरल ट्रेंड इन डिक्रीज ऑफ प्राइसेज, अगर मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। डीफ्लेशन बोलते हैं उसको। डीफ्लेशन इस पहले चीज़ 100 रुपये की थी, अब कुछ देर बाद देखा 95 की हो गई, 90 की हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिक्रीज होती जा रही है, दैट इज़ डीफ्लेशन। तो ये वर्ड्स बहुत ही ईजीली आपको समझ आने चाहिए, एंड सेकेंडली बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। नया वर्ड आया डिस इन्फ्लेशन, ये क्या चीज़ हुई, ये डीफ्लेशन से अलग है। तो वॉट इज़ डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन इज़ जब इन्फ्लेशन बढ़ने का रेट कम हो जाए, वेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेज। अगर कोई थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से है तो आप ऐसा मानो कि स्पीड तो है लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ी कम हो रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेज इसका मतलब क्या हो, मैं आपको सिंपल एक सी सैट का सवाल बना के समझा के दिखाता हूँ। मान लो किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, अगले साल 110 की हो गई, थोड़ी देर बाद देखा 120 की हो गई, फिर 130 की हो गई। चीज़ें महंगी हो रही हैं, हाँ जी महंगी हो रही हैं, तो इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इन्फ्लेशन डिस इन्फ्लेशन क्यों कहला रही है ये, क्योंकि जब 100 से 110 हुई तो कितने का इंक्रीज़ हुआ, 10 का इंक्रीज़। बेस कितना था, बेस था 100, 10/100 कितना हुआ, 10%, 10% का राइज़ हुआ, ठीक है जी। यहाँ से 110 से 120 पहुँचे, इंक्रीज़ कितने का, 10 का, ऑन अ बेस ऑफ 110, 1/11 इज़ कितना परसेंट, अप्रॉक्सीमेटली 9.01%, 9% के आसपास।
120 से 130 पहुंचे, इंक्रीज कितना का 10 का, अगेन बेस कितना था 120, तो 1/12 इज अप्रॉक्सीमेटली 8.6%। तो देखो महंगाई तो है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, 100 110 से 120 130 हो गई, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 10% बढ़ी, फिर 9 बढ़ी, फिर 8.5 रह गई, सो ऑन सो फोर्थ। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटता जाए दैट इज़ कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन, उसके लिए वर्ड है। इंडिया में अभी रिसेंटली क्या हमने विटनेस किया, हमने डिस इन्फ्लेशन विटनेस करी। मिंट का आर्टिकल था बहुत बड़ा कि इंडिया इज विटनेसिंग डिस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड नॉट डीफ्लेशनरी ट्रेंड्स। डीफ्लेशनरी में तो क्या होता है, चीज़ें सस्ती होती है। डीफ्लेशनरी कैसी होती, 100 की चीज़ 90 की हो जाती, फिर 80 की हो जाती, 70 की, दैट वुड हैपन डीफ्लेशन, दिस इज डिसइन्फ्लेशन, याद रखना ये, क्योंकि प्री में पूछ सकते हैं। देन व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन होता है कि ये थोड़ा हमने यूएस से कॉन्सेप्ट बोरो किया, यूएस की ही ये टर्म है। कोर इन्फ्लेशन मीन्स जब आप सारी की सारी इन्फ्लेशन निकालते हो, आप इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो कि चीज़ें, अब दुनिया में एक चीज़ तो बिकती नहीं, आपके कंट्री में एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, कोई चीज़ लेट से 100 से 105 की हो रही होगी, कोई चीज़ 100 से 110 की हो रही होगी, कोई 100 से शायद 95 की भी हो रही हो, है ना, 120 की हो रही हो, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, सबको आप कुछ एक फॉर्मूला लगा कर, जैसे भी हम देखेंगे मेजरमेंट के टाइम कि कैसे मेजर करते हैं, आप बताते हो ओवरऑल चीज़ों में कितना परसेंट फॉल या डिक्रीज़ हुआ। अगर चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं आप बोलते हो इन्फ्लेशन आ गई, अगर नहीं बढ़ते तो आप बोलते हो डिफ्लेशन आ गई, जैसे भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन, नाउ कोर में हम सिर्फ और सिर्फ वो सामान इंक्लूड करेंगे इन्फ्लेशन नापने के लिए जो कि, जिसमें क्या दो चीज़ें शामिल नहीं होंगी, फूड एंड दो एफ कौन से हैं, फ्यूल। फूड आइटम्स एंड फ्यूल आइटम्स को छोड़कर बाकी सामान में अगर हम देखें इन्फ्लेशन, तो दैट इज़ नोन एज कोर इन्फ्लेशन। अब आप बोलो ये फूड एंड फ्यूल क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यूएस में 70s की बात है, 70s में सरकार फूड का ध्यान रखती थी तो फूड में महंगाई नहीं आती थी, एंड सरकार ही फ्यूल को इंश्योर करती थी, सऊदी अरेबिया वगैरह से फ्यूल आ रहा था सब तरफ से, तो फ्यूल भी प्राइस कॉन्स्टेंट रहती थी, तो फूड भी कॉन्स्टेंट है, फ्यूल कॉन्स्टेंट है। तो सरकार ने डिसाइड किया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर हमें महंगाई के बारे में जानना भी है तो फूड और फ्यूल को छोड़ ही दो आप, क्योंकि इनमें महंगाई तो आती नहीं है, बाकी चीज़ों के बारे में जानते हैं तब हमें पता लगेगा कि महंगाई कहाँ से आ रही है। इंडिया में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इंडिया में महंगाई कहाँ से आती है, सिर्फ और सिर्फ फूड से, एग्रीकल्चर में महंगाई आ गई, टमाटर महंगे, प्याज महंगा, दालें महंगी, एंड फ्यूल में, क्योंकि फ्यूल हमारे यहाँ फ्यूल बनता ही नहीं है, हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है दोनों इंडिया में, इसलिए कोर इन्फ्लेशन इज़ अ यूजलेस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आगे स्टैगफ्लेशन। अब ये पैरेलली ये चीज़ क्या है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन बहुत ही एक दो शब्दों से मिला हुआ शब्द है, एक है शब्द आपके पास स्टैगनेशन, स्टैगनेशन मतलब कि आपकी ग्रोथ रुक गई, प्लस इन्फ्लेशन। अब चक्कर क्या है यहाँ पर कि स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, कि जनरली जब भी देखा गया मार्केट में बहुत पैसा होता है, मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है, आपको वर्ड याद होना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो चीज़ों में महंगाई आ जाती है, लेकिन पैरेलली चीज़ों में लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, साथ में ग्रोथ भी आती रहती है। इंडिया ने भी विटनेस किया, रादर जो भी कंट्री ग्रोथ दिखाती है उसमें इन्फ्लेशन भी होता है, तो ग्रो अब लेकिन चक्कर क्या है कि मान लो देश की ग्रोथ रेट है 10% एंड इन्फ्लेशन है लेट्स से 7%, तब पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। अगर ये उल्टा हो जाए कि इन्फ्लेशन 10% हो गई, ग्रोथ 7% पर आ गई, अब टेंशन में आ रहेंगे, क्योंकि देखो क्या चक्कर है, 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए इकॉनमी में, ग्रोथ परसेंट आपने लेट्स से लगाया 10%, आपके पैसे कल 110 बन जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन जो चीज़ महंगाई का भी असर देखना पड़ेगा, जो चीज़ 100 रुपये की थी कल, वो 7% महंगी होकर 107 की हो जाएगी। देखो इस दिन तो आप सिर्फ 1 किलो ही खरीद पाते, ये मान लो 100 रुपये किलो चीज़ है, 100 रुपये जेब में आपके 1 किलो खरीद पाते, लेकिन अब आपके जेब में कितने आ गए, 110, चीज़ 107 की रह गई, अब आप ज़्यादा खरीद पाए। तो अगर ग्रोथ ज़्यादा हो, इफ़ ग्रोथ इज़ मोर देन इन्फ्लेशन, अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन को बीट कर रही हो तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें इन्फ्लेशन, अगर ये चीज़ 110 की हो जाती, जेब में पैसे होते 107, अब आप 1 किलो नहीं खरीद पाते, हेयर इन्फ्लेशन इज़ बीटिंग ग्रोथ, यहाँ टेंशन है। और मान लो ग्रोथ रुक ही गई, स्टैगनेशन आ गई, तब तो ये खतरनाक सिचुएशन को क्या कहा गया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन पॉलिसी मेकर इससे क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर इकॉनमी में ग्रोथ है तो लोगों को चुप कराना आसान होता है, लोगों को पता है कि ठीक है कि चाहे चीज़ें महंगी हो रही हैं लेकिन हम खरीद पा रहे हैं। स्टैगनेशन के वक्त लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन्फ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन का क्या देखा गया कि पॉलिटिकल आउटकम्स भी हैं, कि सरकारें गिरती हैं इससे, ठीक है जी, पॉलिटिकल आउटकम्स भी हैं, एंड
पैरेलली स्टैगफ्लेशन को डील करना बड़ा ही मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? मार्केट में आप देखो, आपने एक अंडरलाइन टर्म देखी हमने, लिक्विडिटी. जब मार्केट में पैसा बढ़ जाता है तो उससे देखा हमने महंगाई बढ़ती है, लेकिन उससे ग्रोथ भी आती रहती है पैसा बढ़ने से. ठीक है जी. तो अब हुआ क्या, मार्केट से अगर मैं लिक्विडिटी हटा दूँ तो ठीक है जी, इन्फ्लेशन हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी, लेकिन ग्रोथ भी तो हट जाएगी. और जो आप स्टेगनेंट हो, और स्टेगनेंट हो जाओगे, रादर बैकवर्ड्स भी जा सकते हो, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है. तो इसलिए स्टैगफ्लेशन को टैकल करना बहुत ही मुश्किल है. स्टैगफ्लेशन को पढ़ने के लिए एक हमारे पास कर्व भी था, फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व में यही बताया गया था कि कैसे लॉन्ग टर्म में स्टैगफ्लेशन या फिर एक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो चलो इसको हम कभी एक और वीडियो में देखेंगे. फिलिप्स कर्व थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो फिलहाल आगे मूव करते हैं क्योंकि थोड़ा प्री ओरिएंटेड रखते हैं. इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप नाम की क्या चीज़ है? इन्फ्लेशनरी गैप इज लेट्स से आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल. इसको पोटेंशियल एक वर्ड है कि इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल हो सकता है. जैसे बोलते हैं ना, एक इस इंसान में बड़ा पोटेंशियल है. आप अच्छा ऐसे दिखते हो, कभी स्कूल में टीचर बोलती बहुत ही पोटेंशियल है, आप IAS बन सकते हो, है ना. पोटेंशियल जो पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा फ्यूचर का आइडिया है, फ्यूचर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे किसी इकोनॉमी का पोटेंशियल है, मान लो $100 बिलियन का, ये $100 बिलियन कमा सकती है. ओके जी, बहुत बढ़िया. लेकिन मान लो समहाउ किसी तरह से चीज़ें महंगी हो गई, जो भी हो गया, और इकॉनमी में लिक्विडिटी बढ़ गई, इकॉनमी ने $110 बिलियन कमा लिए, तो इस चीज़ को क्या कहा गया? इसको कहा गया इन्फ्लेशनरी गैप. जो पोटेंशियल से अगर आप एक्स्ट्रा कमा लेते हो, उसको कहा गया $10 बिलियन को इन्फ्लेशनरी गैप. अगर लेट्स से आप 110 बिलियन ना कमा के 90 बिलियन कमाते, इसको क्योंकि आपकी लेट्स से इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही थी, लिक्विडिटी मार्केट में कम थी, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिसेशनरी गैप, कि आप रिसेशनरी गैप का शिकार हो गए हो, आपके पोटेंशियल से आपने कम परफॉर्म किया. ठीक है, तो बहुत बार आप देखोगे IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक, ये आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल GDP बताते हैं आपको, कि ये इंडिया का पोटेंशियल GDP रहेगा अगले साल, उसके हिसाब से इंडिया का वो बता देते हैं कि क्या ग्रोथ रेट आने वाला, कैसे अचीव कर लेते हैं तो बहुत खुश, नहीं अचीव करते तो सरकार को गालियाँ पड़ती हैं, और अगर ओवर अचीव करते हैं तो सरकार वाह वाही भी लूटती है. ठीक है जी, इन्फ्लेशनरी गैप एंड रिसेशनरी गैप आप ध्यान में रखना. ठीक है जी, इन्फ्लेशन टैक्स. इन्फ्लेशन टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं होता, सरकार लगाती. जनरली ये कीमत जो एक आम आदमी चुकाता है इन्फ्लेशन के दौरान जेब में पैसा रखने की. दोबारा बोलता हूँ मैं, मेरे जेब में 100 रुपये थे, ठीक है जी, मान लो 2017 चल रहा है, और ये थे 100 रुपये मेरी पॉकेट में. ठीक है, और मान लो कि घी की कीमत जो है, जो घी खाते हैं, मान लो उसकी कीमत भी 100 रुपये थी, तो आज 100 रुपये KG. ठीक है, तो आज 2017 में मैं 1 किलो घी खरीद सकता हूँ. ठीक है जी, महंगाई आ गई 2018 में, महंगाई आ गई, घी हो गया लेट्स से 200 रुपये किलो हो गया. ठीक है जी, और मेरी जो सैलरी बढ़ी, जितनी बढ़नी थी 110 रुपये की हुई, अब मैं आधा किलो के आसपास ही घी खरीद पाऊँगा, तो मेरे को नुकसान हो गया जेब में पैसा रखने का, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन टैक्स. सारा 1 किलो से जो आधा किलो रह गया मेरा घी, आधा किलो घी कौन खा गया? टैक्स किसने लगा दिया? इन्फ्लेशन ने. इसलिए इन्फ्लेशन टैक्सेस जेब, अगर इन्फ्लेशनरी टाइम्स में जब महंगाई आ रही है, अगर आप अपने जेब में पैसा रखते हो, कैश रखते हो, तो कैश तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा नहीं. बैंक में जमा कराओ, किसी और इंस्ट्रूमेंट में, गोल्ड में लगाओ, तो साथ साथ ग्रो कर सकता है वो. लेकिन आपने जेब में कैश रखा, और वो जेब में कैश रखने की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेशनरी टैक्स. ठीक है जी, अब इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं? स्टैंडर्ड बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन हम 2-3 पर ही ड्वेल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, उसको कहा गया कॉस्ट पुश, कि चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है. सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का यूज़ हो रहा है, लाइमस्टोन निकलना बंद हो गया, वहाँ पर कुछ स्ट्राइक हो गई वर्कर्स की, कुछ भी हो गया, तो कॉस्ट पुश की कीमत बढ़ गई, है ना, जो इनपुट की चीज़ों की कीमत बढ़ गई. अच्छा जी, दूसरा डिमांड, की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाए, कि पहले 100 लोग डिमांड करते थे एक चीज़ के, अब 150-200 डिमांड कर रहे हैं, तो सामान तो सप्लाई तो इतने साथ साथ नहीं बढ़ी, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हुई, डिमांड बढ़ गई, तो भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी. तीसरा जो अभी बोल रहा हूँ मैं, क्या सप्लाई ड्रिवन, कि टमाटर थे, उगते हैं इंडिया में, और बारिश आ गई, टमाटर ख़राब हो जाते हैं, रास्ते में ट्रक चलने बंद हो जाते हैं सड़कों पे, क्योंकि पानी भरा हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो सप्लाई रुक गई, सप्लाई डिसरप्ट हो गई. डिमांड कांस्टेंट रही, सबको टमाटर तो खाना ही है, लेकिन सप्लाई रुक गई, तो जो मार्केट में टमाटर पड़े उनकी कीमत बढ़ जाएगी. ठीक है जी, तो सप्लाई ड्रिवन. एंड एक और भी, वैसे इनपुट कॉस्ट का ही एक पार्ट है, अलग से स्टडी कर लेना चाहिए, वो है वेज ड्रिवन,
कि लोगों ने अपनी सैलरी एक्स्ट्रा मांगनी शुरू कर दी, इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। इसी का ही पार्ट बना सकते हो आप, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताना है मुझे आपको। तो वेज ड्रिवन भी हो सकती है, जो एम्प्लॉई काम करते थे उन्होंने अपनी सैलरी एक्स्ट्रा मांगनी शुरू कर दी, कीमतें बढ़ेंगी चीज़ों की। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब वेज से क्या होगा, अब होता क्या है, यहाँ पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन आई मार्केट में, इन्फ्लेशन आई, लोगों ने बोला कि भाई अब हम सामान नहीं खरीद सकते, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो प्लीज़ पैरेलली हमारी वेजेस भी बढ़ा दो। लोगों की वेजेस बढ़ा दी, ठीक है जी, जो एम्प्लॉयर मान गया वेजेस बढ़ गई, तो अब क्या हुआ, जेब में पैसे एक्स्ट्रा आ गए, लिक्विडिटी बढ़ गई। वेजेस बढ़ने से क्या हुआ, लिक्विडिटी बढ़ गई जेब में, लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो गई। लिक्विडिटी इंक्रीज़ होने से फिर से क्या हुआ, अब मार्केट में गए, जो आप पहले तो आप बायर नहीं थे किसी चीज़ के, अब जेब में पैसा आ गया तो अब आप जाके वो सामान खरीदना शुरू करोगे। पहले लेट से रिफाइंड ऑयल खाते थे, अब लेट से मान लो देसी घी खा रहे हो, देसी घी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो एकदम से बढ़ी नहीं अभी, तो उसके कारण क्या होगा, देसी घी की कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा ओवरऑल, फिर प्रोसेस क्या होगा, फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि पहले तो आप उस चीज़ को मांगते नहीं थे, अब आप जाके मांगना शुरू कर दिया आपने क्योंकि जेब में पैसे आ गए हैं, तो चीज़ों की सप्लाई नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन फिर से आ जाएगी। इन्फ्लेशन देखो फिर से आ गई, अब फिर से इन्फ्लेशन आएगी, अब फिर से बोलोगे सैलरी बढ़ाओ, सैलरी फिर बढ़ेगी, जेब में फिर पैसे आ जाएंगे, फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज़ नोन एज वेज इन्फ्लेशन स्पायरल, कि हमेशा ही बस ये चीज़ एक दूसरे को पुश करती रहेंगी, वेज इन्फ्लेशन के को पुश करता रहेगा, इन्फ्लेशन आएगी तो आप वेज मांगोगे, तो बस ये वेज इन्फ्लेशन से स्पायरल कहलाया। ठीक है जी, ओके आगे। ये बिल्कुल प्राइमर वीडियो दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन से जुड़े हमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवाल करने हैं, विद टाइम विल स्टार्ट डूइंग देम, अभी बेसिक चल रहे हैं हमारे। ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब क्या है, अभी मैं आपको एक ही सिंपल ग्राफ से सभी को समझा देता हूँ। मान लो ये है आपकी फैक्ट्री, ठीक है जी, फैक्ट्री में सामान बना, पहले तो इनपुट आया फैक्ट्री में, ये आया इनपुट, फैक्ट्री में सामान बना, ठीक है जी, सामान बन के ये अभी किसके पास पहुंच गया, होलसेलर के पास, जो फैक्ट्री से सामान उठाते हैं आपके घर तक पहुंचाते हैं। होलसेलर ने आगे पहुंचाया लेट से रिटेलर के पास, जो कि हमारे गली गली मोहल्ले तक पहुंच गए रिटेलर, रिटेलर ने कंज्यूमर को दे दिया, क्योंकि इसकी दुकान पर जाके आप खरीद लेते हो सामान, रिटेलर और कंज्यूमर एक ही बात है, थोड़ा सा अपना मार्जिन रखेगा वो बीच में, है ना। ठीक है जी, तो अगर मैं इनपुट की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ कि कितना इनपुट में महंगाई आ रही है, जैसे बात की थी हमने सीमेंट के लिए लाइमस्टोन हो रहा है यूज़, ठीक है, तो लाइमस्टोन में कितनी महंगाई आ रही है, अगर मैं यहाँ पर नापता हूँ इन्फ्लेशन, तो दैट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, कि प्रोड्यूसर्स को कितनी महंगाई झेलनी पड़ रही है इनपुट पर देखो अगर आप। ठीक है जी, ठीक है जी, अगर होलसेल की तरफ देखता हूँ तो दैट इज़ नोन एज होलसेलर्स प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर होलसेलर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर रिटेलर के एंड पर देखते हो तो आप देखते हो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। तो PPI इंडिया में फॉलो इतना नहीं होता, RBI ने अभी इस पर काम करना शुरू कर दिए, लेकिन US में बहुत बहुत वाइडली फॉलो होता है WPI। ये तो हमारे देश का पहले कॉर्नरस्टोन था, सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स था महंगाई को लेके। तो अब WPI के बारे में दो तीन बातें जानने वाली हैं, बट आई वुड रियली हाईली रिकमेंड यू प्लीज़ गो बैक होम एंड WPI का एक विकीपीडिया पढ़ लो, बहुत ही स्टैटिक सा है। और ना इसका विकीपीडिया में क्या पढ़ना है आपने, कि इसमें कौन से आइटम्स इंक्लूडेड हैं, 676 आइटम्स होते हैं इंक्लूडेड। बस एक दिन, क्योंकि इसको पढ़ के बस छोड़ देना वहीं पर, क्योंकि पेपर के लास्ट डे ही आपको काम आएगा ये, यू कैन नॉट रिटेन इट, कि भाई सबसे ज़्यादा किसका वेट है, कौन सी चीज़ का वेट है, बस ये लिख के रखना, प्री के एक दिन पहले देखना होता है, और प्री में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं वो। ठीक है जी, इसको निकालता कौन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है, कौन, बस ये बातें आपने नोट करके रखनी है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपको, दैट इज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है गुड्स में, सिर्फ गुड्स में डील करता है, इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं हैं। ठीक है जी, इंडिया में जो WPI आया था उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, जबकि CPI में कौन से हैं, गुड्स भी हैं एंड सर्विसेज भी है। इसकी बास्केट भी बड़ी है, कौन सी चीज़ों पे महंगाई नापता है, बहुत सारी, 4000 प्लस चीज़ों पे ये महंगाई नापता है। ठीक है जी, CPI की वैरायटी बहुत सारी आती है, CPI की वैरायटी कौन सी है, जैसे CPI, क्योंकि देखो कंज्यूमर कौन से, कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर अर्बन, ठीक है जी, या फिर CPI जो आपका रूरल कौन से है, या फिर CPI एक कंबाइंड भी आता है, CPI C बोलते हैं उसको। ठीक है जी, रूरल अर्बन या कंबाइंड, और
इंडस्ट्रियल वेज, जो एक इंडस्ट्रियल वर्कर को अलग माना गया, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर भी आता है, एक सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर भी आता है, लेकिन आप ये तीन ये याद रखने हैं आपने। सीपीआई सी, अभी हमने एक बात की थी कि आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, वो मॉनेटरी पॉलिसी अपनी बनाता है जब कि कितना रेपो रेट बढ़ाऊँ घटाऊँ। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस पर डिपेंडेंट थी? इन्फ्लेशन पर डिपेंडेंट थी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो अपने रेपो रेट वगैरह बढ़ जाते हैं, अगर इन्फ्लेशन घट जाती है तो रेपो रेट घट जाते हैं, ये बात आपने देखी थी। तो कौन सी इन्फ्लेशन की बात हो रही है? WPI, PPI, CPI, अगर CPI तो कौन सी CPI, ठीक है जी। तो ये बात टेंशन, ठीक है जी। RBI किसको फॉलो करता है? RBI फॉलो करता है CPI C को। RBI किसको फॉलो करता है? CPI कंबाइंड। तो आपका आज का एक और होमवर्क है, क्योंकि देखो बताने को तो मैं सब कुछ ही बताता जाऊँगा, बट आई वॉन्ट यू टू रीड एज वेल। WPI के बारे में जानना है आपने, गो बैक होम एंड रीड अबाउट इट। CPI के बारे में जानो, रीड अबाउट इट, ठीक है जी। तो PPI पे क्या काम शुरू हो गया, इसके बारे में देखो क्या क्या बोलता है हमारा PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। इसके बारे में जानो, इसमें कौन से चीज़ें हैं, किस कितना कितना वेट है, बेसिक सी बातें। और ये कहीं पर लिख कर रखना, एक कागज़ पर साफ से जगह पर जहाँ नोट्स बना रहे हो, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले ही हमें ये पढ़ेंगे। WPI वैसे मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ, इसको पॉज करके चाहते हो करना देख लेना, कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के कितने वेट है, प्राइमरी आर्टिकल्स का, फ्यूल एंड पावर का, ठीक है जी। ये बस एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कोई इतना कोई यूजलेस सी एक चीज़ है, ये प्री के पहले ही काम आएगी आपको, इतना कोई आपका डेली लाइफ में इतना अफेक्ट नहीं करेगी। CBI के बारे में भी सेम, रूरल कॉम्पोनेंट, अर्बन कॉम्पोनेंट, कम्बाइंड कॉम्पोनेंट। और ऐसे सवाल पूछते हैं आपको UPSC तंग करता है ये वाला, कि जो CPI अर्बन में सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? जी फूड बेवरेज की ही है, खाना पीना ही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे देश में, चाहे वो अर्बन हो, चाहे रूरल हो, चाहे कंबाइंड हो, ठीक है जी। सबसे लीस्ट जी आपका लीस्ट कौन सा है, ये वो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार बस इसको नोट करके रखना, अपने तरह से दो तीन सवाल बना लेना, क्योंकि अगेन वन ऑफ दोज आस्पेक्ट्स ऑफ UPSC प्रिपरेशन जहाँ पर रट्टा बहुत चाहिए आपको, PPI की बात। एंड देन लास्ट अपने पास चीज़ आती है, इन्फ्लेशन टैकल कैसे की जाए। इन्फ्लेशन टैकल करने के अपने पास तरीके क्या हैं, कि इन्फ्लेशन टैकलिंग के लिए हमारे पास तरीके कौन से हैं, कि हम इंटरेस्ट रेट पे काम करेंगे। कि अगर मार्केट में लोन महंगा हो जाए तो मार्केट में क्या होगा, उससे लोन महंगा होने से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो लोन नहीं उठाएंगे लोग, मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी विल फॉल, ठीक है, लिक्विडिटी विल डिक्रीज। तो अपने पास इंटरेस्ट रेट कौन सा फॉलो करना है हमने? रेपो रेट। अभी मैं यहाँ पे ना आपको एक बहुत एक ब्रिलियंट सी एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, बहुत बार प्री में सवाल पूछे गए, ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि हर दो साल में एक बार ही सवाल आता है इस पर, ठीक है जी। तो तैयार हो इसके लिए, ठीक है जी, चलो देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप ना ये चार्ट बना के रखना, कहीं दीवार पर भी चिपका सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको समझो, बहुत ही आसान सा चार्ट है, पेपर में काम आएगा आपको, चार्ट मसाला है ये, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपका रेपो रेट पर क्या असर पड़ेगा? RBI को इन्फ्लेशन रोकनी है, ऑप्शन ए वो रेपो रेट बढ़ाए, ऑप्शन बी रेपो रेट घटाए, क्या करें बताओ जी? हाँ जी, तो देखो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चाहो तो आप पॉज कर सकते हो यहाँ पे, सोचो बैठ के दो मिनट। तो आपका टेंशन क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है कि घट रही है? इसका मतलब जी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है मार्केट में, हम चाहते हैं कम करना, आवर अटेम्प्ट इज टू डिक्रीज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी डिक्रीज कैसे होगी, लिक्विडिटी डिक्रीज कब होगी, अगर मैं लोन सस्ते कर दूँ या महंगे कर दूँ? अगर मैं लोन महंगे करूँगा तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, मार्केट में कम नोट होंगे, ठीक है जी। लोन महंगे करने का मतलब क्या हुआ, रेपो रेट बढ़ेगी या घटेगी? रेपो रेट बढ़ेगी, ठीक है, दोबारा सुन लेना इस बात को, इन्फ्लेशन बढ़ेगी अगर तो आपको उसको टैकल करना है तो रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये तो था आपके पास पहला ए। बी, रिवर्स रेपो में क्या होगा, रिवर्स रेपो, देखो जी साथ साथ यहाँ रिविजन भी हो रही है आपकी, रिवर्स रेपो, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, अब रिवर्स रेपो को अगेन ऑप्शन ए बढ़ाएं या फिर ऑप्शन बी घटाएं, क्या करें? रिवर्स रेपो क्या होती है, क्विकली मुझे बताओ, ये है आपका बैंक, ये है आपका RBI, ठीक है, हमने लेक्चर लगाया हुआ ये वाला, ठीक है, भूलना नहीं है आपने। रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक बोलता है भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, प्लीज़ ये मनी रख लो, इसके बदले मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, ठीक है, ओके जी, हाँ जी, ये होता है रिवर्स रेपो, बिल्कुल जी। रिवर्स रेपो महंगाई के दौरान में बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, हाँ जी बोलो भाई, ये भी बढ़ेगी, सिंपल सही कारण है, रीज़न क्या है,
कि अगर आरबीआई रिवर्स रेपो को इंक्रीज कर देगा तो बैंक्स के लिए ल्यूक्रेटिव हो जाएगा, और पैसा जमा कराओ, है ना, और पैसा जमा कराओ, और रिवर्स रेपो देंगे और पैसा मिलेगा बैंक से। ठीक है, 100 रुपये जमा कराए, पहले 105 मिलते थे लेट से आरबीआई से, अब 107 मिलेंगे, 108 मिलेंगे। तो रिवर्स रेपो बढ़ाने से बैंक्स का इंसेंटिव बढ़ता है और पैसा जमा कराने का टुवर्ड्स आरबीआई। बैंक जब यहाँ पैसा जमा कराएगा दैट मीन्स कस्टमर को मनी नहीं दे रहा, कस्टमर को मनी नहीं दे रहा दैट मीन्स लिक्विडिटी मार्केट में नहीं जा रही। ऑल राइट, तो फिर लिक्विडिटी मार्केट में नहीं जा रही, इन्फ्लेशन टैकल हो जाएगी। तो एक आपने देखा रेपो भी बढ़ती है, रिवर्स रेपो भी बढ़ती है अगर महंगाई टैकल करनी है। जल्दी से और एसएलआर बढ़ाएं कि घटाएं, कि तिजोरियों में बैंक से पैसा बंद कराएं कि ना कराएं। नेचुरली भाई लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है तो आपको तिजोरियों में पैसा बंद कराना पड़ेगा, एसएलआर भी बढ़ा दो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो ये भी बढ़ा दो, जो भी। इसलिए आपको अल्टीमेट मंत्र क्या है यहाँ पर, इन्फ्लेशन बढ़ानी घटानी है तो क्या करना है, आपका पहला असर किस पर होगा, लिक्विडिटी पर। आपको देखना पड़ेगा लिक्विडिटी बढ़ाएं या लिक्विडिटी घटाएं। आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ी है तो लिक्विडिटी आपको घटानी पड़ेगी, ठीक है जी, दिस थिंग हैज़ टू बी डन। तो लिक्विडिटी घटानी पड़ेगी, दैट मीन्स लोन महंगे करने पड़ेंगे, बैंक्स को और इंसेंटिव देना पड़ेगा जाके हमारे बैंक की, भाई आरबीआई में तिजोरी में जमा कराओ, एसएलआर सीआरआर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपने क्या देखा, इन्फ्लेशन हाई होती है, टैकल करने के लिए सारे के सारे रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है जी, कहीं ना कहीं रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, जो भी ये रेट हैं सब ये बढ़ाने पड़ेंगे महंगाई थोड़े सा टैकल करने के लिए, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज बेस इफेक्ट, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। बेस इफेक्ट क्या था, मैंने आपको डिस इन्फ्लेशन समझाया था, वही चीज़ है, मैं आपको दालों के केसेस में समझाता हूँ, पल्सेस के केसेस में। पल्सेस कैसे बिहेव कर रही थी, 70 रुपीज़ केजी चल रही थी पल्स, जो हमारी कोई दाल थी एक, तो अगले साल देखा हमने वो 140 रुपये किलो हो चुकी थी। 70 की चीज़ 140 हो गई, राइस कितने का, 70 रुपीज़ का, ऑन अ बेस ऑफ 70, ओके, इनटू 100 भी कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा 100% का राइज हुआ। 70 रुपये की चीज़, 100% इन्फ्लेशन दालों में, ठीक है जी, बात समझ आ गई। अगले साल देखा 150 की हुई थी, थोड़ी सी तो महंगाई हुई इसमें फिर से, 150 कितने का राइस, 10 रुपीज़ का, ऑन अ बेस ऑफ 140, ठीक है जी, इनटू 100 भी कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 बाई 7 अप्रॉक्सीमेट 7%, 7% की महंगाई। पहले वाले टाइम में कितनी थी, 100%, अब कितनी हुई, 7%। क्या सरकार खुशियां मनाए कि सिर्फ 7% ही मैंने हमारे उसमें टाइम में महंगाई आई, नहीं, खुशियां नहीं मना सकते आप, क्योंकि 140 की चीज़ 150 की हो गई है। ऐसा नहीं हुआ कि 140 की वापस चलेगी 70 पर 80 पर, नहीं, आपके ज़माने में चाहे देखने में लग रहा है कि डिस इन्फ्लेशन आ गई, डिस इन्फ्लेशन आई है जी जनाब, डीफ्लेशन नहीं आई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। बेस क्यों, क्योंकि बेस ही इतना बड़ा हो गया था आपका, बेस ही इतना बड़ा हो गया था कि आपकी चीज़ों में महंगाई आई लेकिन पता ही नहीं चली। अभी भी चीज़ें महंगी से थोड़ी सी और महंगी हुई हैं, लेकिन महंगी तो हुई हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेस इफेक्ट, या फिर इसके लिए एक और टर्म हमारे पास टर्म होती है उसको, दैट इज़ नोन एज प्लेटू इफेक्ट। ये एक बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में पूछ चुके हैं कि व्हाट इज़ प्लेटू इफेक्ट। प्लेटू इफेक्ट इज कि ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी हैं, चाहे यहाँ पे ऊपर रहें, थोड़ा बहुत ऊपर जाएं, दिखती नहीं है, लेकिन काफ़ी ऊपर ऑलरेडी हैं, ठीक है जी। तो ये था अपने पास एक स्टैंडर्ड सा एक लेक्चर ऑन इन्फ्लेशन। बाकी आप कमेंट्स करो एंड डोनेट करो, बहुत अच्छा लग रहा है, डोनेट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। बाकी रेगुलरली हम चलते रहेंगे, संजीव वर्मा पढ़ने शुरू कर चुके हो तो कंग्रेचुलेशन, अदरवाइज़ पूरा शेड्यूल आ चुका है, मेंस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं डेली, और कुछ आते हो हमें कि कवर करना चाहते हो कि हम कवर करें तो बता देना, क्योंकि पीपीटीज बना रहे हैं हम यहाँ पर, हम दैट्स इट, और छोटे मोटे काम करते रहते हैं, एंड वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज़। बाकी आप भी देखते रहो एंड मिलेंगे जल्दी, थैंक यू।